हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा पहले कि इससे पहले कि मेरे पौधों पे कैसे लाइटें चमक रही थी दोस्तों, तो दिवाली पे हमने लाइटें लगाई थी तो पौधों के ऊपर भी लगा दी, तो रात को इतने सुंदर दिखते हैं पौधे दोस्तों। तरह तरह की लाइटें जलती है ना, तो ये अभी मैं बंद करना भूल गया, लेकिन अभी ऐसी नहीं दिख रही जैसी रात को दिख रही थी। तो मैं आज आपको मेरा टेरिस गार्डन दिखाऊंगा बहुत दिनों के बाद, क्योंकि दोस्तों दिवाली के पहले दिखाया था, बहुत दिन हो गए। और तो दिवाली पर तो मैंने सफाई भी कर ली और अच्छे से पौधे भी जमा दिए, तो दिखाऊंगा अभी। और दोस्तों, मैंने टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन रखी है, क्योंकि दोस्तों सर्दी लग रही है। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो सुबह सुबह सर्दी लगने लगी, तो मैं ना सुबह उठते इसको पहन लेता हूँ, फिर 8 बजे तक वापस निकाल देता हूँ। 8 तो बहुत लेट बजते हैं, जल्दी निकाल देता हूँ दोस्तों। तो चलते हैं अब हमारे टेरिस गार्डन पर। देख सकते हो आप मेरे पीछे हमारा टेरिस गार्डन, और ये सुबह सुबह पक्षी आवाज़ें कर रहे हैं दोस्तों बहुत सारे। मैं जहाँ भी वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर पक्षी होते ही हैं दोस्तों, आवाज़ें करते हैं बहुत। तो पैरट वगैरह सब पक्षी बोल रहे हैं, मोर भी बोल रहा था अभी, ये देखे वो बैठा पैरट तो हमारे टंकी के ऊपर। तो अभी आपको बहुत सारे पक्षी भी दिखाऊंगा जो हमारी छत पे आते हैं दाना खाने, पानी पीने, रोटी खाने। ये देख सकते हो चिड़िया तो आ गई दोस्तों, ये देखो आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो चलते हैं हमारे टेरिस गार्डन की तरफ। तो दोस्तों देखिए आप हमारा टेरिस गार्डन, पहले तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, फिर बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों दिवाली पर इनकी सफाई करने में मेरे को इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा पूछो मत, क्योंकि सारे गमले हटा हटा के मिट्टी निकाल के फिर वापस जमाए, सूखे पौधे निकाले, सूखी पत्तियाँ वगैरह, गोबर की खाद डाली, ऐसे ना बहुत सारा टाइम लगा था दोस्तों। 3-4 दिन लगे थे लगभग, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करता था, पूरे दिन तो कर भी नहीं सकता था, क्योंकि धूप आ जाती थी, और दिवाली की पहले की धूप तो इतनी तेज होती है पूछो मत। और ये देख के ये थर्माकोल हमारे सफाई में निकला था, तो मैं ना इसको ऐसे है ना झूले की तरह लटका के फिर वैसे रख रहा था, लेकिन दोस्तों इस पे इन डिब्बों का वजन ज़्यादा होने की वजह से ना ये टूटने वाला था, तो मैंने सोचा नीचे रख देते, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ये देख सकते हो आप, दूर से दिखा था, ये देखो ऊपर भी पौधे लगे हुए और नीचे भी मैंने रख दिया, तो ये हो गया। ये तो दोस्तों हमारे कचरे की बाल्टी है, ये देख सकते हो, तो ये पूरा भर गया। अभी सूखे पौधे निकाले ना कल परसों, तो पूरी भर गई, तो इसको फेंक के आएंगे। और ये देखे अभी भी लाइटें जल रही है, लेकिन दोस्तों रात के जैसा नहीं दिख रहा, रात को बहुत अच्छा दिख रहा था। और ये देख सकते हो आप हमारी छत पर आ गए बहुत सारे पक्षी खाना खाने, ये देखिए, देखो दोस्तों कौवे वगैरह सब आ गए, क्योंकि मैं ना रोटी भी रखता हूँ यहाँ पे, चावल रखता हूँ और पानी का भी रख देता हूँ, तो जिसको जो खाना होता है सब आ जाते हैं, देख सकते हो आप। और देखिए इन दोनों की लड़ाई चल रही है दोस्तों बकरी जाने का, दो कौवे हैं दोस्तों, 4 पैरट है, 1 चिड़िया है और ये 3 मैना है नीचे। अभी देखो वो आ गई बग बग के सारी के सारी, देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये रोजाना मेरा वेट करती है, इसलिए मैं उठते ही फ्रेश फ्रेश होके पहले इनके लिए दाना डालने आता हूँ, नहीं तो फिर ये टाइम निकलते ही भग जाते दोस्तों। देखे दोस्तों कैसे वो पैरट प्लेट के ऊपर बैठ के खाना खा रहा है, और ये चिड़िया तो है ना चावल वगैरह नहीं खाती है, तो बस रोटी रोटी खाती है, ये
काली काली सी दिख रही है ना, तो देख के मेरे आसपास से ना पक्षी पक्षी मंडरा रहे चारों तरफ वो देख के, तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जब ये पक्षी हमारी छत पे आते हैं ना, तो ऐसे मन को सुकून मिलता है इनकी मीठी मीठी तरह तरह की आवाज़ें दोस्तों। और ये हमारे ये चिड़िया बहन जी तो यहीं रहते हैं, घोंसला बनाने के लिए लड़ते रहते हैं, ये देख सकते हो आप, इधर भी है इधर भी है, तो ये देखो ये इस मटके में घोंसला बनाने के लिए लड़ती रहती है, जबकि मैंने ना उधर भी रख रखा है तो उसमें नहीं बनाती, इनको यही पसंद है। तो दोस्तों चलते हैं अब हम हमारे पौधों की तरफ, तो देखिए दोस्तों ये मैंने साड़ी से ढक रखा है क्योंकि मैं ना पौधों ये पक्षियों को दाने डाल के चला जाता हूँ और इसको ढकना भूल जाता हूँ ना, तो ये मेरे पूरे पौधे खा गए। ये गोभी का बीज है दोस्तों, तो बहुत अच्छा हो गया था लेकिन है ना मैं भूल गया ना एक दो दिन, तो मोर है ना इस पे बैठ के खा रहा था बड़े आराम से, तो इसी वजह से ना मेरे को सुबह शाम है ना ढकना पड़ता है, फिर दिन में हटा देता हूँ। और ये पत्ता गोभी तो पूरी ख़त्म कर दी उन्होंने, ये हमारी प्याज। और दोस्तों ये मेरे इस बार है ना गेंदे के पौधों में जाने कौन सा रोग आया, तो गेंदे सूखते ही जा रहे हैं, ये देख सकते हो आप, ये भी जाने कैसा हो गया, तो सूखते ही जा रहे हैं दोस्तों ये देखो। और अभी इन पौधों के भी फूल आएंगे, ये देख सकते हो बड़े बड़े हो गए दोस्तों, ये तो ख़त्म हो गए दोस्तों, अब इनका सीजन चला गया ना इस वजह से, क्योंकि इनका गर्मी से अभी तक रहता है दिवाली के बाद तक पूरी गर्मी और दिवाली के बाद तक, लेकिन इस बार है ना ये भी ऐसे अभी ये ना फूल आए हुए पूरे पौधे ख़त्म हो जाएंगे, तो बहुत सारे तो मैंने निकाल दिए सूख गए थे तो, और ये अभी बाकी है। तो दिवाली पर हमने इन्हीं फूलों से माला बनाई थी, फूलों पत्तियों और ठाकुर जी के लिए भी भेजी थी, तो ठाकुर जी ने तो पहन रखे, उनको तो बहुत अच्छी लगती है इन वाले फूलों की माला, तो वह तो पहने रहते उतारते नहीं 8-10 दिन तक। और ये देखिए ये ऐसे फूल आएंगे इनके तरह तरह के, कोई पर येल्लो कोई पर कैसा। और ये देखिए पक्षियों का राजा मोर भी आ गया हमारी छत पे खाना खाने बिना पंखों वाला, क्योंकि दोस्तों इनके पंख पूरे जड़ चुके हैं, हम नए आने शुरू हो जाएंगे। और ये पैरट तो दूर हो गई इतने बड़े पक्षी को देख कर, तो मैं बहुत सारे रखता हूँ, कितने सारे प्लेटें हैं देख सकते हो आप, तो जिसको जो इच्छा होती है वहाँ पर खा ले। और दोस्तों खाते तो हैं लेकिन है ना उन प्लेटों को नीचे और गिरा देते हैं, फिर मैं ना झाड़ू से उठाना पड़ता है चावल वगैरह। तो ये देखिए गेंदे के भी शुरू हो गए नए नए फूल, ये देखो इधर भी बैठे हुए हैं, ये हमारे छत है तो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, तो पक्षी पक्षी है चारों तरफ। और ये हमारे गेंदे के फूल, इस बार मैंने ना पूरे बीज ऐसे मोटे वाले रखे थे, लेकिन ये ऐसे ये जाने कहाँ से निकले ये बीज पता ही नहीं है, लेकिन ये भी अच्छे हैं। पर दोस्तों इस बार मेरे सूख रहे गेंदे के, नहीं तो है ना अब तक तो मेरी बगिया पूरी फूलों से लग जाती, अब मेरे को ये वाले लगाने पड़ेंगे। और एक वाइट कलर के फूल हो रहे उनके बीज भी मैं 2 बार तो लगा दिए, लेकिन दोस्तों उग ही नहीं पा, उग तो आते हैं लेकिन सूख जाते हैं, तो अभी फिर लगाऊंगा, अब सर्दियां शुरू हो गई। और ये देखे ये रेशम वाला, ये देखे ऐसा सुंदर फूल रहता है इसका रेशम के कपड़े की तरह। और ये हमारी अपराजिता, इसके भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं। और दोस्तों ये हमारी तुलसी है, तो ये अपने आप उग गया ही, तो मैंने ना कल तो इन सब के ये ऊपर जो मंजरी है ना, तो सारी के मंजरी आ रखी थी तो वो सब हटा दी, क्योंकि फिर नई नई ब्रांचें निकले इसके। ये देख के इधर भी तुलसी, इधर भी तुलसी, तुलसी तुलसी हमारे। और ये देख के इस पे ज़रूर ऐसे पे ना पूरे गमलों में मेरे ऐसे ही फूल आते थे दोस्तों, लेकिन इस बार जाने क्या हुआ पता ही नहीं है, तो मेरे ना पूरे फूल फूल क्या पौधे ख़राब हो गए, ये देख सकते हो आप, सूखते जा रहे सूखते जा रहे। अब मैं करूँ भी क्या इनका, सब कर लिया मैंने, ये देखे ऐसे ऐसे पत्तियाँ सूख सूख के फिर पूरा ही सूख जाता है,
ये अजीब से फूल जाने कहाँ से निकले, मैंने तो बीज भी नहीं रखे थे इनके। और ये हमारी मॉर्निंग ग्लोरी, तो ये तो ख़त्म हो गई दोस्तों अब, लेकिन फिर भी इसके है ना एक एक दो दो फूल आते रहते। और दोस्तों ये है हमारी गुलदावरी, क्योंकि सर्दियों में तो गुलदावरी के फूल आते हैं, तो ये देख के इनके ये कलियाँ आ गई, ये देख सकते हो आप, ये देखो। तो दोस्तों इनके भी जाने क्या हो गया, नहीं तो मैंने ना सब मटकों में ये लगा रखी थी, मैंने सोचा इस बार है ना बहुत सारे फूल आएंगे, हर बारी में ऐसे सोचता हूँ। इधर भी छोटे छोटे गमलों में सब में लगा रखी है भाई, सब गमले फूलों से लग जाएंगे, लेकिन इस बार तो पता नहीं है मेरी बगिया के जाने क्या हुआ कि फूल पौधे चल ही नहीं रहे। देखिए ये भी खा लिए, तो इनमें अब नए फूलों के पौधे लगाएंगे, पता ही नहीं है दोस्तों। नहीं तो हर साल मेरी बगिया ऐसी महकती थी पूछो मत, तो दिवाली पर तो हमें फूल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, क्योंकि घर पर ही फूल निकल आते थे। ये देखो इधर भी अपराजिता, ये देखिए पूरी बेल पे छाई हुई है, बेल नहीं है सॉरी दोस्तों अनार है ये, ये देखो अनार हमारा, ये अनार का पौधा है, तो इस पर है ना इसमें बेल भी उगी हुई है ये अपराजिता की, तो ये पूरी फूलों से लदी हुई है दोस्तों। ये देखिए तो अनार यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो दोस्तों इसके ना फूल तो बहुत सारे आए थे लेकिन जड़ गए, वह इसमें लगा रखा है मैंने, ये देख सकते हो आप, तो ये बहुत बड़ा हो गया, ऊपर टीनों से भी ऊपर निकल गया। और दोस्तों मेरी बगिया की एक बात बताऊं, क्योंकि ये सारी कबाड़ से बनी हुई है दोस्तों, देखिए ये कुछ कुछ गमले हैं जो मैंने खरीद रखे हैं, जैसे कि ये चार गमले तो यहाँ पर है, चार ये और दो वहाँ पर रखे हुए हैं, एक दो और एक ये रहा तुलसी जी के पास और एक ये, तो चार चार आठ आठ गमले खरीदे हुए हैं, और सब हमारी कबाड़ से बना हुआ है देख सकते हो आप। ये तो हमने दिवाली पर ही बनाए थे, दिवाली पर लगाए थे, नए डिब्बे निकले ना, तो उन डिब्बों में अभी तो बहुत सारे डिब्बे हैं, तो मैंने रख दिए वो रख दिए, तो फिर उनमें बाद में लगाएंगे दोस्तों। ये देख के सब में मैंने ना गुलदावरी लगा रखी है कि बहुत सारे, एक बार पहले दोस्तों है ना मेरे पास पांच तरह की गुलदावरी थी, इतने बड़े बड़े फूलों वाली, इतने वाले, इतने वाले, छोटे वाली, पांच तरह की थी। तो मेरे ना सर्दियों आते मेरे पूरा टेरिस गार्डन है ना ऐसा सुंदर लगता था फूल ही फूल, और मैं तोड़ता भी नहीं था और ना ही किसी को देता था, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे लगते थे खिले हुए फूल। और इस बार तो हमारे खलिहान में भी नहीं चले गेंदे के, ऐसे हो गई है देखे इनके जान क्या हो गए अभी से, नहीं तो हमारे ना इतने फूल आते थे कल्याण, जिसको फूल चाहिए वो आ जाता था कि फूल दे दो, तो मैं बोल देता कि हमारे कल्याण से ले लो, वहाँ पर बहुत सारे फूल आ रहे, लेकिन इस बार तो कल्याण में भी जाने क्या हो गया, वहाँ पर भी नहीं चले। और दोस्तों ये देखिए ये बैंगन भी उगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको निकाल के मेरे को कल्याण में लगाना पड़ेगा, ये देखिए एक एरा एक एरा, और इधर छोटे छोटे थे तो इनको तो हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर लगे हुए हैं बैंगन। और ये हमारा टमाटर, बहुत सारे डाले थे टमाटर के बीज तो, लेकिन दोस्तों सूख गए, और मैं बोल रहा ना इस बार मेरे कुछ भी बीज नहीं चल रहे, मेरे ना टेरिस गार्डन के नज़र लग गई दोस्तों, इस वजह से नहीं चल रहे, पता नहीं अब क्या रीज़न है, मैं तो ऐसे बोल रहा था। ये देखिए है हमारा आया, ये देखो और देखिए मैंने इसमें भी लगा रखा है गुलदावरी, और ये तो ऐसे ही सजावटी है देख के, ये भी सूख गया था, इसके ना एक डाली बची थी तो वो लगा के मैंने बहुत सारा कर लिया, ये भी ये देखिए इसमें भी लगा रखा है गुलदावरी, भाई सब जगह गुलदावरी के फूल होने चाहिए ना। और आपको दिखाता हूँ अभी सूरज, ये देखिए दोस्तों सूरज उग रहा है, देख सकते हो आप उगने लग गए सूरज नारायण भगवान, पास से दिखाऊं देखो, ये देख सकते हो आप छोटा सा लाल लाल सा,
अभी दोस्तों सूर्य उदय हुआ है, ये देख सकते हो हमारे सामने वाले मकान की छत से निकला है। पहले तो दोस्तों है ना, ये सामने मकान नहीं था, डबल मंजिल एक ही था, तो है ना ऊपर से ऐसे दिख जाते थे बढ़िया। सुबह पूरे सुबह उठते ही धूप आ जाती थी, अभी भी आती लेकिन थोड़ी देरी आती। तो देख सकते हो आप कैसे सूर्य निकला। दोस्तों सब अपना खाना खा कर चले गए, ये कुछ पैरट बाकी है तो ये भी खा रहे हैं, ये देख सकते हो आप वो भी भग गए मेरे आने से। अब जिसको जो खाना होगा ना वो खा लेंगे, ये देखे अभी तो खाना रखा हुआ है बहुत सारा, ये देखे पूरी प्लेटें भरी हुई है। तो दोस्तों ये ख़त्म हो जाती है शाम तक, सारे खा जाते हैं इसको। और वो कहाँ गया सूर्य देखो। तो दोस्तों अभी आपने देखा मेरा टेरिस गार्डन जो कबाड़ से बना हुआ है, और वो सारे तरह तरह के पक्षी साथ में उनकी आवाज़ सब देखा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके तो आप भी मेरी तरह कबाड़ से टेरिस गार्डन बनाने की कोशिश करना दोस्तों। तो ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब दोस्तों चलते हैं नीचे क्योंकि सर्दी लग रही है ऊपर, बहुत देर हो गई मेरे को यहाँ ऊपर सुबह सुबह, अभी तो सूरज पूरा निकला भी नहीं, आपने देखा होगा अभी तो उजाला हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो चलते हैं, ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कमेंट्स करके बताना दोस्तों कैसी लगी वीडियो, और कैसे लगे हमारे पक्षी जो रोज़ाना खाना खाने आते हैं, और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। तो मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ खाना डाल के, थोड़ी देर यहीं बैठ के इन पक्षियों को देख के फिर जाता हूँ नीचे, तो मन को इतना सुकून मिलता है दोस्तों। और सुबह सुबह ठंडी ठंडी शुद्ध हवा भी मिल जाती है ऊपर पक्षियों के साथ। ठीक है, राधे राधे।